नमस्कार, राम राम भाइयों। MLNG.com पर आपका स्वागत करते हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सिर्फ पॉलिटिक्स। जब खुद उच्च अधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी ही संगठन को तार पीडो करने लग जाएं और संगठन की भलाई की बजाय उसे गर्त की ओर लेकर जाने लग जाएं, तो उसका कौन मालिक है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की हरियाणा की कमेटी की और उनके अध्यक्ष अशोक तंवर की। जब अशोक तंवर ने पिछले दिनों में जो गतिविधियां की है, उससे न बल्कि पार्टी की हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है, बल्कि चुनाव के मौके पर कांग्रेस के बारे में जो एक विचार था कि वो किसी ना किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विपक्षी पार्टी के रूप में खड़ी हो पाएगी, उस पर भी सवालिया निशान लगने लग गए हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो हाल ही में एक चुनाव प्रबंधन समिति बना दी थी अशोक तंवर ने, और उसके 8 सदस्यों की घोषणा उन्होंने पिछले शुक्रवार चंडीगढ़ में कर दी थी। लेकिन उस पर विवाद तब पैदा हो गया जब पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद, जो प्रभारी हैं हरियाणा के कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि ऐसी किसी भी समिति बनाने की अनुमति केंद्रीय नेतृत्व से अशोक तंवर ने नहीं ली है, इस करके उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। होना तो ये चाहिए था कि केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के बाद अशोक तंवर अपनी इस कमेटी को भंग कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस आदेश को परोक्ष रूप से मानने से इनकार कर दिया और जो कमेटी बनाई थी 8 सदस्यों की, उनकी बैठक सोमवार शाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में रखी हुई थी। उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी थी जिस दिन ये कमेटी बनाई थी कि सोमवार को बैठक करेंगे। वो बैठक में पहुँचे, हालांकि 8 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य ही पहुंचे, जिसमें खुद अशोक तंवर और जो संयोजक बनाए गए थे सुदेश अग्रवाल, जो अपनी पार्टी चलाते रहे हैं लगातार और अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सुदेश अग्रवाल और अशोक तंवर 2 ही सदस्य इस बैठक में शामिल हुए, बाकी सदस्य किनारा कर गए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के बारे में उनको पता लगा कि उनको ये पसंद नहीं आया इस तरह से कमेटी का गठन करना। जो तरीका था वो ठीक नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व ने ये इशारा किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी जो घटक हैं, जो पार्टी के जो मुख्य नेता हैं, जिनसे पार्टी बनती है हरियाणा में, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे किरण चौधरी हो, या और नेता हो, कैप्टन अजय यादव हो, इस तरह के जो नेता हैं, जब तक ये इकट्ठे नहीं किसी कमेटी में होते हैं, तो उस कमेटी का कोई औचित्य नज़र नहीं आता है, क्योंकि इन चेहरों के बिना हरियाणा कांग्रेस नहीं बनती है। लेकिन अशोक तंवर ने जिस तरह से घोषणा कर दी अपने आप ही, और गुलाम नबी आज़ाद की माने तो उन्होंने कहा कि घर पर बैठकर बनाई हुई ये कमेटी है, तो केंद्रीय नेतृत्व ने जब उसके बारे में अपना इशारा किया, तो बजाय इसके कि वो भंग कर देते, उन्होंने भंग नहीं की बल्कि मीटिंग बुला ली। इससे यही नज़र आ रहा है कि वो अपने व्यक्तिगत जो उनकी इच्छाएं हैं, उन पर जैसे कांग्रेस की बलि चढ़ा रहे हों, बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनके इस एक्शन से, क्योंकि पार्टी का खड़े होना इस चुनाव में बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें ले जाकर और 10 की 10 सीटें कांग्रेस को हराकर बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस को ला चुकी है, लेकिन कांग्रेस उसके बाद चिंतन करती, मनन करती, मंथन करती और कोई एक्शन करती, इस तरह का एक्शन जो धरातल पर नज़र आता, लेकिन ये हुआ नहीं, ये दिखाई नहीं दिया। बयानबाजियां शुरू हो गई एक दूसरे के विरुद्ध। शुरू में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि कोई संगठन नहीं था, फिर अशोक तंवर ने कहना शुरू किया कि वो संगठन के हिस्सा नहीं बने, हम तो संगठन ही चला रहे थे। अब भी ये रस्साकशी जारी है, जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आकर खड़ा हो गया है और अगले चंद महीनों में तो निर्णय लोगों ने ले लेना है, वोटिंग हो जानी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव प्रचार अभियान अघोषित रूप से चलाए हुए है। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद वो बैठे नहीं हैं, लगातार फील्ड में हैं, और ऐसे में जब इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो, उसके ज़्यादातर नेता जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हों, और जननायक जनता पार्टी भी अभी
अपने संगठन को लेकर काम कर रही हो, एक उम्मीद मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उम्मीद जो बचती थी वो कांग्रेस पार्टी से बचती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है और ख़ासतौर पे उसके जो नेता हैं उन्होंने अभी तक सबक नहीं लिया है। वो गीत होता था कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो सब कुछ लुटा के भी होश में नहीं आना चाहती है। इस तरह से लोकतंत्र में जहाँ सत्ता पक्ष जरूरी होता है, विपक्ष भी जरूरी होता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाया करता है और उसमें कहीं ना कहीं लोगों की हानि, जनहित जो हैं वो कहीं ना कहीं दाव पर लग जाते हैं, ये खतरा बना रहता है। ये पक्का ही ऐसा हो, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार चला रही है उसमें भी अगर निरंकुश उन्हें हो जाने दिया जाएगा तो ये खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन करे कौन, सवाल ये पैदा होता है। कांग्रेस से उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति जो है वो लगभग ऐसे जैसे एक तश्तरी में रखकर सरकार हरियाणा की वो देने जा रहे हों भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी उनकी स्थिति है। क्योंकि एका नहीं हो रहा है, एका नहीं कर पा रहे हैं, आखिर एका कौन करवाएगा। एकमात्र उम्मीद जो दिखती है वो दिखती है केंद्रीय नेतृत्व से कांग्रेस की, जो खुद संकट से जूझ रहा है जब से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है और पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान ऐसे समय में जब कांग्रेस की स्थिति ये हो, केंद्रीय नेतृत्व भी संकट से गुजर रहा हो, जब राहुल गांधी सरीखे नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रखा और पूरी कांग्रेस उन्हें मनाने में लगी हो, ऐसे में हरियाणा की ओर ध्यान किसका जाए, कैसे जाए, देखने की बात होगी। और वो कब फैसला लेंगे, केवल उम्मीद की किरण जो नजर आती है वो केंद्रीय नेतृत्व से ही आती है, क्योंकि हरियाणा के नेताओं का एका वही करा सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की थी कि एका उनका आपस में हो जाए सबका। उन्होंने एक बस में भी बिठाया था, सबको घुमाया भी था, लेकिन वो एका हो नहीं पाया। इस बार फिर कोशिश हो रही है और जिस तरह से कांग्रेस में लताड़ा गया है एक तरीके से अशोक तंवर को, उससे लगता है कि दूसरे ग्रुपों को साधने की कोशिश गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं। वो कितना कामयाब हो पाते हैं आने वाले दिनों में पता लगेगा है। जैसे ही आगे घटनाएं होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ MLAG.com पर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर, हमें फॉलो कर लीजिए Twitter पर और हमें लाइक कर लीजिए Facebook पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।